तो अब से कुछ ही घंटे पहले ऑफिशियली वीवो ने लॉन्च कर दिया इंडियन मार्केट में वीवो V21e 5G को, और इसी के साथ आज हम कम्पीट करने वाले हैं OnePlus Nord CE 5G का। ऑलरेडी मैंने F19 Pro Plus के साथ वीवो V21e का एक वीडियो बना दिया है, तो आप चाहे तो उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। इवन मैंने OnePlus के साथ और एक कंपेरिजन वीडियो बना दिया है, उसको भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिजीत, आप देख रहे हो रेडियो का चैनल, आप सबका स्वागत है। शुरू करते हैं इस वीडियो को और सीखते हैं कुछ नया। दोस्तों सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कंपेयर करने वाले हैं डिस्प्ले का, तो Vivo V21e 5G का यहाँ पे आपको मिलने वाला है 6.44 इंच का एक फुल एचडी प्लस का डिस्प्ले, जो कि एमोलेड डिस्प्ले यहाँ पे आपको मिलेगा। 60 हर्ट्ज का स्टैंडर्ड रिफ्रेश रेट आपको यहाँ पे मिलेगा और HDR 10 प्लस का सपोर्ट इसमें आपको मिल जाएगा, तो आप Netflix जैसे OTT प्लेटफॉर्म को HD में यहाँ पे स्ट्रीम कर सकते हैं। अब बात करें यहाँ पे Nord की, तो Nord में आपको 6.43 इंच का फुल एचडी प्लस का फ्लूइड एमोलेड डिस्प्ले आपको यहाँ पे मिलेगा 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ। यहाँ पे आपको कोई अलग से प्रोटेक्शन लेयर नहीं मिल रहा है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। और अब कंपेयर करेंगे यहाँ पे फ्रंट कैमरा की, तो यहाँ पे आपको सेल्फी में 32 मेगापिक्सल का कैमरा मिल रहा है वीवो के V21e में। यू शेप का नॉच के अंदर आपको मिल जाएगा, तो यहाँ पे आपको पंच होल डिस्प्ले जो है वो नहीं मिलने वाला है, और सुपर नाइट सेल्फी जैसे फीचर्स आपको इस फोन में मिल जाएंगे, तो नाइट सेल्फी भी आप बढ़िया क्वालिटी का यहाँ पर ले सकते हैं। अब आप बात करें Nord की, तो Nord में आपको 68 मेगापिक्सल का सिंगल पंच होल के अंदर आपको यह कैमरा मिल जाएगा। अगर बात करें यहाँ पे सेल्फी कैमरा की, तो Vivo V21 थोड़ा सा यहाँ पे आगे है इन टर्म्स ऑफ नाइट सेल्फी और यहाँ पे आपका मेगापिक्सल के हिसाब से भी। अब बात करेंगे यहाँ पे रियर कैमरा की, तो रियर कैमरा में Vivo V21e में आपको मिल रहा है 64 मेगापिक्सल का एक प्राइमरी कैमरा और 8 मेगापिक्सल का एक वाइड एंगल कैमरा। हालांकि यहाँ पे डेप्थ और मैक्रो शॉट के लिए भी ये दोनों कैमरा काफी है, तो चार कैमरा का फंक्शंस आपको विद इन टू कैमरा यहाँ पे Vivo प्रोवाइड कर रहा है। वही मैं बात करें अगर दूसरे ब्रांड की यानी OnePlus Nord CE की, तो वहाँ पे आपको 64 का प्राइमरी, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल और 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर जो है मिल रहा है, तो यहाँ पे आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप जो है वो मिल रहा है। दोस्तों बात करते करते हम लोग पहुंच चुके प्रोसेसर कंपैरिजन में, तो यहाँ पे आपको Vivo V21e 5G में मिल रहा है 2.2 GHz का ऑक्टाकोर का मीडिया टेक का Dimensity 700 का प्रोसेसर, जो कि 7 नैनोमीटर के फैब्रिकेशन के ऊपर बेस करके बना हुआ है। अब यहाँ पे मालिका G57MC2 का GPU मिल रहा है, जो कि डिसेंट गेमिंग के लिए ठीक है, लेकिन हाई एक्सपेक्टेशन आप इससे मत रखिएगा। वहीं पे बात करें अगर प्रोसेसर की OnePlus Nord CE की, तो वहाँ पे आपको सेम 2.2 GHz के क्लॉक स्पीड का Qualcomm Snapdragon का 750 का प्रोसेसर मिल रहा है, जो कि 8 नैनोमीटर के ऊपर बेस करके बना हुआ है, और यहाँ पे गेमिंग के लिए आपको Adreno 619 का GPU जो है वो मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर हेड टू हेड बात करें, तो OnePlus Nord CE का प्रोसेसर काफ़ी आगे है, क्योंकि मीडियाटेक का Dimensity 700 ऑलरेडी 13999 से इंडियन मार्केट में अवेलेबल है, तो इसके लिए 25,000 रुपये खर्च करना कोई वैल्यू फॉर मनी चीज़ तो नहीं होगा, तो आपको इस बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। और दोस्तों अब हम बात करेंगे पे रैम और रोम की, तो Vivo V21e 5G में आपको मिल रहा है एक ही सिंगल वेरिएंट 8GB का रैम, LPDDR4X का रैम आपको यहाँ पे मिलेगा, 128GB का इंटरनल आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जो कि UFS 2.2 के ऊपर बेस करके बना हुआ है। बात करें पे एक्सपेंडेबल की, तो 1TB का एक्सपेंडेबल ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल रहा है, लेकिन ये हाइब्रिड सिम स्लॉट के साथ आता है। वहीं पे बात करें अगर Nord CE की, तो वो 3 रैम वेरिएंट में आ रहा है, 6GB, 8GB और 12GB। यहाँ पे भी आपको LPDDR4X का रैम मिल रहा है, लेकिन इंटरनल की बात करें तो 128GB के साथ साथ 256GB का भी एक वेरिएंट आपको यहाँ पे मिल रहा है। और बात करें यहाँ पे एक्सपेंडेबल की, तो Nord या फिर OnePlus कोई भी फ़ोन में एक्सपेंडेबल ऑप्शन होता नहीं है, तो इस फोन में भी वो अवेलेबल नहीं है OnePlus की तरफ से। और दोस्तों बात करते करते हम लोग पहुंच चुके बैटरी कंपैरिजन में, तो Vivo का V21e 5G में आपको मिल रहा है 4000mAh का बैटरी, यहाँ पे आपको लिथियम आयन का टेक्नोलॉजी जो है वो दिया गया है Vivo की तरफ से। बात करें चार्जर की, तो 44 वाट का फ्लैश चार्ज आपको Vivo की तरफ से इनबॉक्स यहाँ पे मिल जाएगा, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। बात करें यहाँ पे OnePlus Nord CE में आपको 4500mAh का बैटरी मिलेगा, लिथियम पॉलीमर का टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूज किया गया है OnePlus की तरफ से। और बात करें अगर चार्जिंग स्पीड की, तो 30 वाट का वेब चार्जिंग आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जो कि ऑलमोस्ट फोन को विद इन एन आवर फुल्ली चार्ज कर देगा। अगर बात करें यहाँ पे बैटरी कैपेसिटी की, तो यहाँ पे आपको OnePlus में ज़्यादा बैटरी मिल रहा है, वहीं पे आपको Vivo के फ़ोन में ज़्यादा वाटेज का चार्जर मिल रहा है, तो अब चॉइस आपका है, आपको फास्ट चार्जिंग चाहिए या फिर ज़्यादा बैटरी चाहिए। और दोस्तों बात करते करते हम लोग पहुंच चुके हैं अपने ऐसे एक सेगमेंट में, जिसमें हम लोग कंपेयर करते हैं कि कौन से रीजन्स की वजह से आपको फ़ोन लेना चाहिए और कौन से रीजन्स की वजह से आपको फ़ोन को अवॉइड करना चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं कौन से रीजन्स की वजह से आपको फ़ोन को लेना चाहिए।
जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे Vivo V21e 5G में आपको मिल रहा है 44 वाट का फ्लैश चार्जिंग, जो कि बहुत जल्द फोन को फास्ट चार्जिंग कर देगा। वहीं पे बात करेगा कैमरा की तो 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा आपको मिल रहा है। हालांकि यहाँ पे डुअल कैमरा, लेकिन चार कैमरे का जो काम है वो यहाँ पे डुअल कैमरा से ही हो जाएगा, ये वीवो का दावा है। अब यहाँ पे बात करेगा सेल्फी कैमरा की तो नाइट सेल्फी कैमरा के साथ साथ 32 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पे सेल्फी कैमरा वीवो प्रोवाइड कर रहा है। अब बात करें यहाँ पे रैम की तो 8GB का रैम जैसे मैंने बताया कि एक ही वेरिएंट यहाँ पे अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पे आपको वर्चुअली और 3GB तक यानी टोटल 11GB तक आप रैम को एक्सपैंड कर सकते हैं वीवो के V21e 5G में। वहीं पे बात करें OnePlus Nord CE 5G की तो वहाँ पे आपको लेटेस्ट क्वालकॉम का प्रोसेसर तो मिल रहा है, साथ ही साथ में 64 मेगापिक्सल का ट्रिपल रेयर कैमरा सेटअप आपको यहाँ पे मिल रहा है। और यहाँ पे आपको ऑक्सीजन OS जो एक बहुत ज़्यादा USP है इस OnePlus फोन्स के, तो वो भी आपको यहाँ पे में दिख जाएगा। अब बात करें यहाँ पे रैम की तो हाईएस्ट पॉसिबल रैम यहाँ पे आपको 12GB तक मिलेगा, और इंटरनल की बात करें तो वो आपको यहाँ पे 256GB तक का मिलेगा। तो ये सब रीजंस हो सकते हैं इस फोन को लेने के लिए, लेकिन आइए जल्दी से आप देखते हैं वो कौन से रीजन है जिसके लिए आपको इन दोनों फोन को अवॉइड करना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं Vivo V21e 5G की, तो वहाँ पे आपको नो 5G, मतलब इंडिया में जैसे मैंने हर एक 5G फोन के लिए बताया कि 5G इंडिया में नहीं है, लेकिन उसके लिए हम लोगों को अभी ज़्यादा पे करना पड़ रहा है जो जस्टिफाइड नहीं है। हाँ, अच्छा प्रोसेसर तो मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे एक्सेस मनी भी आपको पेमेंट करना पड़ रहा है, जो चीज़ आप यूज़ भी नहीं कर सकते उसके लिए। अब बात करें यहाँ पे हाइब्रिड सिम स्लॉट है इस फोन के अंदर, जैसे मैंने बताया पहले ही कि यहाँ पे आपको डुअल सिम या फिर एक सिम एक मेमोरी कार्ड लगाने का ऑप्शन जो है वो मिलेगा। अब बात करते हैं यहाँ पे बैटरी की तो सबसे कम यहाँ पे दोनों फोन में 4000mAh की सिर्फ बैटरी मिल रही है, तो अगर आप गेम खेलते हो तो शायद आपको दिन में 2 बार फोन को चार्ज करना पड़ सकता है। अब बात करें यहाँ पे कैमरा की तो रियर कैमरा में आपको सिर्फ डुअल रियर कैमरा सेटअप मिलेगा, और मीडियाटेक का डायमेंसिटी 700 का एक चीप प्रोसेसर आपको मिल जाएगा, जो एंट्री लेवल फोन्स में आजकल जिन मार्केट में हम लोगों को दिख रहा है। अब बात करें वहीं पे OnePlus Nord CE 5G की, तो वहाँ पे भी आपको एक्सपेंसिव जो है वो एक फैक्टर जो है, ये एक ड्रॉबैक हो सकता है, क्योंकि फोन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव किया गया है। इसके नीचे आपको MI 10i जो है वो मिल जाएगा, तो उसमें आपको और ज़्यादा फीचर्स मिल जाएंगे, तो उसके ऊपर भी अलग से एक कंपैरिजन वीडियो बहुत जल्द मेरे चैनल पे आने वाला है, उसी लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है। तो अब बात करें दूसरी चीज़ की, तो यहाँ पे आपको एक्सपेंडेबल ऑप्शन जो है वो नहीं दिखने वाला है, साथ ही साथ 30 वाट का सिर्फ चार्जर है, तो इस रेंज में इससे ऊपर तो बहुत सारे ब्रांड्स आजकल दे रहे, तो ये भी एक ड्रॉबैक है। 5G इंडिया में नहीं है जैसे मैंने पहले भी बताया था, उसके लिए भी आपको इस फोन के लिए एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। अब बात करें यहाँ पे प्रोटेक्शन ग्लास की, तो अलग से कोई प्रोटेक्शन ग्लास इस फोन में नहीं दिया गया जितना मुझे पता चला है, तो कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास बोलिए या फिर पांडा ग्लास बोलिए, यहाँ पे ऐसा कोई ग्लास नहीं दिया गया है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना होगा कि अगर हाथ से गिरा तो शायद डिस्प्ले टूट सकता है, तो ये भी एक ड्रॉबैक इस फोन का डेफिनेटली है। दोस्तों, आप स्क्रीन के ऊपर अभी जिस तरह के होम स्क्रीन डिज़ाइन देख रहे हो, अगर आप चाहते हो अपने फ़ोन पे भी ऐसे डिज़ाइन बनाना, तो आप मेरे दूसरे चैनल पे एस होम स्क्रीन सेटअप को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको वीडियो के स्क्रीन के ऊपर एक लिंक मिल जाएगा, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो आशा करूंगा ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा, Vivo V21e 5G और Nord CE 5G का। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ स्क्रीन के ऊपर के नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।